अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं कोरमा, बड़ा VIP कोरमा और बहुत ही आसान और इजी तरीके से। हमने यहाँ पे जो है ज़्यादा झंझट नहीं पाली है कोरमे के लिए। तो यहाँ पे हमने ले ली है प्याज, 1 पाव के बराबर हमने प्याज ली है। उसको जो है हमने अच्छे से बारीक कटिंग कर लिया, बारीक कटिंग करके इसको हमने रख दिया है ब्राउन करने। तो हमने 1.5 कप हमने ऑयल लिया था, 1.5 कप ऑयल में यहाँ पे प्याज, देख सकते हैं हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन जैसे प्याज हो जाती है तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे ऑयल में से, और ऑयल में से निकाल के इसको एक हम बर्तन में फैला देंगे ताकि हमारी क्रिस्प क्रिस्पी से प्याज जो हमारी तैयार हो जाए। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने जो है प्याज को जो है अच्छे से निकाल लिया। थोड़ी सी प्याज को हम रहने देंगे ताकि जो है गोश्त जो हम डालेंगे तो उसमें कवर हो जाएगी। गोश्त थोड़ी हम प्याज उसमें रहने देंगे और बाकी हम सब निकाल लेंगे। तो थोड़ी सी प्याज बाकी है और बाकी हमने यहाँ पे डाल दिया है गोश्त। 1 किलो हमने गोश्त लिया है। तो 1 किलो बीफ का जो है आज हम बना रहे हैं कोरमा, और कोरमा आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त और 1/2 घंटे में बनके तैयार हो जाएगा। और ये कोरमा जो है हमने ज़्यादा प्रोसेस नहीं लेना, ना हमने खड़े गर्म मसाले डाले हैं इसमें ना ही कुछ, क्योंकि हम जो उसमें साशे ऐड करेंगे कोरमे मसाले का तो उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे वो सब चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने जो है गोश्त को डाल के इसको अच्छे से भुनाई करना है। 1 से 2 मिनट तक भुनाई करने के बाद फिर हमने डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 2 टेबल स्पून लिया है भर के, और ये डाल के अच्छे से फिर हम दोबारा से हमने इसको 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है, और जब तक गोश्त जो है अपना पानी रिलीज़ नहीं कर देता। और बहुत ही अच्छे से कोरमा यहाँ पर देखें बनना शुरू हो गया है। और ईद का सीज़न है, ईद आने वाली है, तो हमने सोचा ईद के लिए आपको अच्छी सी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी दें। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून डाला है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ डाला है धनिया पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून हमने यहाँ डाला है नमक। तो आधे मसाले जो हम डाल रहे हैं घर के, और आधा मसाला जो हम डालेंगे यहाँ पे कोरमा मसाले का साशे डालेंगे। तो यहाँ पे हमने आधे मसाले डाल दिए हैं। अगर आप जो चाहते हैं कि घर के मसाले ना डालें, आप सिर्फ कोरमा मसाला ही डालें, तो वहाँ पर आप 1 साशे की जगह 2 साशे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधा किलो का जो साशे होता है वो डाल दूँगी। तो ये हम मैं इसको डाल दूँगी, पूरा डाल दूँगी इसको। तो अगर आप मिर्ची थोड़ी कम लेते हैं तो आप जो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मसाले को डाल के हमें अच्छे से करनी है भुनाई, और अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें यहाँ पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने भुनाई कर दी, अब हम यहाँ पे पानी ऐड कर रहे हैं, पानी जो है गोश्त को गलाने के लिए। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपका गोश्त कैसे जल्दी गल जाता है, कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है, और यहाँ पर हमने प्याज को फैला दिया था, उसको हमने बंद कर दिया, कवर कर दिया 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद चेक करेंगे। तो प्याज हमारी जो है सूख चुकी थी और ठंडी हो चुकी थी और बिल्कुल क्रिस्पी हो गई। तो हमने सोचा यही मौका है इसको क्रिस्पी करने का, इसको चूरा बनाने का। तो इसका अच्छे से चूरा बनके तैयार हो जाएगा ताकि कोरमे में बहुत ही शानदार और दानेदार कोरमा बनेगा। अगर आप ब्लेंडर करेंगे तो ब्लेंडर करने से जो है इसको आप थोड़ा दर्दरा सा ब्लेंडर करेगा, बिल्कुल बारीक पेस्ट मत बनाएगा ना कोरमा आपका ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए प्याज हमारी जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है और ज़बरदस्ती। तो इसको हम रखते हैं साइड में, देखते हैं 10 मिनट बाद चेक करते हैं सालन को। तो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अच्छे से जो है उबाल आ चुका है सालन में, तो अच्छे से जो है गोश्त हमारा पकना शुरू हो चुका है। तो इसको जो हम कर देते हैं फिर 1/2 घंटे के लिए कवर, और अब हम इसको चेक नहीं करेंगे, अब हम 1/2 घंटे बाद ही चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 30 मिनट बाद हम जब चेक किया तो इसका पानी जो है ड्राई हो चुका है, और मैंने आँच जो इसकी रखी थी वो मीडियम रखी थी, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखी थी। तो हल्के आँच में गोश्त भी अच्छे से खासा गल चुका है, टेंडर हो चुका है, और इसमें ऑयल भी छोड़ दिया। अब ये भुनाई के टाइम पर हम इसको डालते हैं दही। दही हम डाल रहे हैं 150 ग्राम, 150 ग्राम यहाँ दही शामिल कर रहे हैं, और दही डाल के फिर हम इसको जो है बीच में पर चमचा अच्छे से चला लेंगे ताकि दही फैलाने से पहले, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको दही डाल के भुनाई करेंगे ताकि दही जो पानी छोड़ेगा वो भी जो है इसका ड्राई करना है। तो इसके दही के भुनाई करने के बाद इसको हम करेंगे कम अज़ कम इसकी भुनाई हम करेंगे 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे, और भुनाई करने के बाद फिर हम इसको कर देंगे कवर। तो अभी हम जो है इसका भुनाई जगह साथ में भुनाई भी होती रहेगी, और साथ ही में हमने यहाँ पे जो प्याज क्रिस्पी करके रखी थी वो भी ऐड कर दिए, क्योंकि आप थोड़ा टाइम भुनाई में लेते हैं फिर आप इसमें प्याज डालने में लेते हैं, तो ये टाइम बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ ही भुनाई हो जाएंगी और अच्छा सा कलर आ जाएगा कोरमे का, बहुत ही प्यारा सा कोरमा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमने 5 मिनट कवर कर दिया, कवर करने के बाद
तो जी जनाब, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और कॉर्नर जो है अच्छे से भुनाई मांग रहा है। तो यहाँ पे हम इसको भुनाई करेंगे, 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे मीडियम आंच पे। और माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है कॉर्मे की। कॉर्मा देखें आधा घंटे बन के तैयार हो गया है, इसको पौना घंटा लगा, आधा पौना घंटा इसको कॉर्मे को तैयार होने में लगा है। और दानेदार माशाल्लाह ज़बरदस्त कॉर्मा है, ईद पर जल्दी बन जाने वाला कॉर्मा है ये, तो ज़्यादा झंझटें नहीं है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें और अपने प्यारे में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो जी जनाब, इससे पहले ही मेरी रेसिपीज़ जो मैंने कौरमे की बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, कौरमे की रेसिपी, दम बिरयानी की रेसिपी और लेयर डबल लेयर की बिरयानी की रेसिपी, पुलाव की रेसिपीज, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बारीक सी अदरक जो है काट के रखी थी पानी में भिगो के, उससे अदरक पानी में भिगोने से ये होता है कि आपकी अदरक जो है नरम नहीं पड़ती, ये बिल्कुल खड़ी खड़ी सी रहती है। तो यहाँ पे अदरक शामिल करके इसको हम भून लेंगे, भूनने के बाद 1-2 मिनट आप भूनेंगे और फिर माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है कौरमा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। और ईद वाले अपने मेहमानों के आगे पेश करें, फैमिलीज को खिलाएं और तारीफें समेटें। तो जी जनाब, आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितना ज़बरदस्त कौरमा है ये और बड़ा लाजवाब कौरमा है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अब डाला है यहाँ पे गरम मसाला, तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ गरम मसाला डाला है सिर्फ और सिर्फ खुशबू के लिए। तो अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच किया करें, रेसिपी को स्किप मत किया करें, वरना आप खास और टिप और ट्रिक्स जो है आप मिस कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कौरमा बिल्कुल हमारा रेडी है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ग्रेवी करी, पानी जो है कैमरा मेरा उस टाइम थोड़ा हिल गया था, ख़राब हो गया था, तो वो दिखा नहीं सकी मैं आपको। तो मैंने आधा गिलास पानी डाला ताकि ग्रेवी के लिए, वो 5 मिनट हमने कवर कर दिया। तो अब हमें इतनी ही ग्रेवी कौरमे में चाहिए, हमें ज़्यादा खुशा कौरमा नहीं रखा है, तो बस इतनी ग्रेवी हमारी कौरमे की बिल्कुल तैयार है। क्योंकि जब हम चूल्हा बंद करेंगे और थोड़ी देर इसको रखेंगे 5 मिनट बाद इसका जो है ना अच्छा सा, तो ये थोड़ा खुश्की आ जाएगा। तो कौरमा माशाल्लाह रेडी है, ज़बरदस्त कौरमा, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ेदार। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कौरमा है जो बनके तैयार हो चुका है। तो आपको रेसिपीज मेरी कैसी लगी, हिना को अनहिना की रेसिपीज़ को आप जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो टिकटॉक पर फॉलो कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर आप जो है सब्सक्राइब कर लें। तो जी जनाब, मिलना चाहती है आपसे, ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आऊँगी अच्छी से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।